हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुडवा जेट का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वार्डरोब, स्लाइडिंग वार्डरोब। अगर आपको जैसे बेडरूम के अंदर थ्री डोर्स में स्लाइडिंग वार्डरोब बनानी है तो कैसे बनानी चाहिए, उसका डिज़ाइन किस हिसाब से रखना चाहिए, इसमें डिज़ाइन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और उसमें आपको जैसे 21 साल की वारंटी के साथ, मटेरियल के साथ, अगर आपको जैसे घर के अंदर का इंटीरियर काम कराना, प्लाई बोर्ड हमारा जो होता है, तो इसमें मैं उस बोर्ड के बारे में जानकारी दूंगा कि इससे 21 साल जो जैसे हमारा वारंटी मिलती है तो कैसे आपको किस बोर्ड में मिलती है, वो मैं बोर्ड दिखाऊंगा आपको, उसका सैंपल दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरी देखनी है आपको प्रॉपर, और इसमें मैं प्राइस भी बताऊंगा। तो वीडियो जैसे आपको देखनी है जैसे लास्ट तक, तो इसमें प्राइस के बारे में जानकारी मिलेगी और इसमें अपने डिज़ाइन के बारे में, किस मटेरियल को लगाया हमने, सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसमें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो प्रॉपर देखने, वीडियो में चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने ये जैसे वार्डरोब बनाई है तो उसको मैं अंदर का डिज़ाइन दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये जैसे हमारा राइट साइड में होता है, तो जैसे आपको इसमें खाने बनाने होते हैं, किस हिसाब से आपको पार्टीशन देने चाहिए इसमें, तो इसमें जैसे हमारे पार्टीशन होते हैं, ये फोल्डिंग सेल्फ है, जैसे आपको एडजस्टेबल होता है, जैसे आपको बड़ा सामान रखना होता है तो बड़ा सामान रखने के लिए इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं और अपना बड़ा सामान रख सकते हैं इसमें। उसके बाद अपने जैसे ये 15-15 इंच के हमने डिवाइड करके खाने बना रखे हैं। इधर आपको जैसे हैंगर रोड लगाना है, जैसे हैंगर के लिए जैसे अपनी सेट टी सेट सेट कपड़े, जो छोटे कपड़े टांगने के लिए आप इस तरीके से रोड लगा सकते हैं, यहाँ पे अपने हैंगर के हिसाब से टांग सकते हैं। आप पास में देख सकते हैं, ये हमने जैसे ये साइज छोड़ा है इसका, तो आपको जो साइज बनाना होता है 24 इंची या 28 इंची, इस हिसाब से हमारे साइज छोड़े जाते हैं। इसके बाद अपने ये सेफ है, अगर आपको जैसे बनाना, तो ये फाइल उल रखने के लिए आप ऊपर ले सकते हैं दराज। नीचे हमने जो दराज, ये अपना 12 इंची हाइट में देना आपको। नीचे आपकी जो ड्रॉर बनाई जाती हैं, ये देख सकते हैं अंदर से लैमिनेट है, और इसमें हमने टेलीस्कोप चैनल लगा रखी है। अंदर से देख, एक बार अंदर से दिखा दो, ये अंदर भी हमने लैमिनेट, ये टक्करों पर टेप है, अभी इसकी जैसे सफाई होगी उसके बाद अच्छा लगेगा देखने में। ये बाहर से हमने लैमिनेट लगा रखी है वो, तो जैसे ही आपको बनानी है 6-6 इंची में दराज बनानी है, 6-6 इंची हाइट में, जितना आपको साइज छोड़ना 12 इंची, उसी हिसाब से 12 इंची दराजों को छोड़ा जाता है, 6 इंची की ड्रॉर आ जाती है। ये देख सकते हैं अंदर से, इसमें भी लैमिनेट है, ये पास में दिखा रहा हूँ। उसके बाद नीचे का जो खाना छोड़ना आपको, जैसे रजाई के लिए, कंबल के लिए बड़ा खाना स्पेस छोड़ सकते हैं नीचे, और ऐसी जगह बना सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरी तरफ का दिखा देता हूँ आपको, सब क्लोज। इसमें दो डिवाइड, ये अपने तीन डिवाइड करके खाने 15-15 इंची के बना रखें, सामान के हिसाब से फोल्डिंग सेल्फ है। अगर आपको जैसे बड़ा सामान रखना है तो बड़ा सामान के लिए इसको निकाल के आप ऐसा रख सकते हैं। और इसमें जो ब्रैकेट लगा रखी है हमने, ये गिलास वाले पिन ब्रैकेट हैं, अगर आपको लगाने हैं पिन वाले, ये ड्रिल करके लगाए जाते हैं और ये लैमिनेट में दिखते भी नहीं है। उसके बाद अपनी ये 6 इंची की दराज है, ये भी अपनी 6-6 इंची हाइट में, और ये जो बनानी है आपको, जैसे आप ये स्लाइडिंग डोर्स है, इसमें अंडा नहीं चाहिए, इस हिसाब से बनानी है आपको। इस पर देखें, और चाबी आपकी स्लाइडिंग डोर्स में अंडी नहीं चाहिए। नीचे दो डिवाइड करके खाने बना रखें, आप देख सकते हैं सेल्फ इस हिसाब से लगाना, जैसे सामान आपको छोटा, छोटे के हिसाब से जगह बना सकते हैं ऐसी। और ये अपने इधर लेफ्ट हैंड पे, ये बड़ा हैंगर के लिए, कोट के लिए आपको जो स्पेस छोड़ना है 38 इंची खाना, उसकी टाई वाई टांगने के लिए आप यहाँ पे हैंगर लगा सकते हैं। और ये अपना एक डिवाइड करके सेल्फ लगा सकते हैं, जैसे छोटा सामान है उसके हिसाब से स्पेस बना सकते हैं, वैसे ही नीचे बड़े सामान के लिए बड़े नीचे बना सकते हैं। ये ड्रेसिंग है, अगर आपको जैसे ड्रेसिंग का स्पेस छोड़ना है तो कम से कम 2.5 फुट होना चाहिए चौड़ाई में। इसमें जो LED लाइट लगा रखी है, पीछे से लगा रखी है चारों साइड से, ऊपर अपने लाइट, अगर आपको जैसे लेनी लाइट तो ऊपर लगा सकते हैं, और साइडों में LED लाइट ले सकते हैं। साइड की जो LED लाइट है वो सामने नहीं आनी चाहिए मुँह पे, चेहरे पर आती है तो आँखों में चमक लगती है। अंदर अपने खाने देने आपको, इस हिसाब से देने सामान, जैसे आपका जिस हिसाब से सामान की हाइट होती है तो उस हिसाब से छोड़ सकते हैं। ज़्यादातर जो सामान की हाइट चलती है 12 इंची या 10 इंची, इस हिसाब से आप बना सकते हैं। एक बार दिखा दो पास में आगे, और नीचे चूड़ी टांगने के लिए अपनी रोड लगा सकते हैं इसमें,
और ये चैन लगा रखी है इसमें कि आपका डोर्स जो गिलास वाला डोर्स है दीवार पर लगे नहीं, जिससे कि शीशा टूटने के चांस हो जाते हैं। और इसमें जो कब्जे लगा रखे हैं ये देख सकते हैं, ये आपका फेस में अगर आपको जैसे कब्जे लगाने, इसमें जो ऑटो हिंजेस होते हैं हमारे 15 डिग्री के, ये 15 डिग्री के लगाए जाते हैं। जैसे आपको अंदर लगाना है, जैसे हमारे बॉर्डर चारों तरफ से दिखाना आपको, उसके अंदर डोर चलाना है, इस प्रकार चला सकते हैं। और ये जैसे आपको रखना बाहर स्पेस, तो 12 इंची ये दो ड्रॉर हैं इसके नीचे, इससे आपसे बना सकते हैं। इसकी जो हाइट रखनी है आपको फर्श से कम से कम 18 इंची या 15 इंची इस हिसाब से होनी चाहिए। इधर सिंगल डोर्स ले सकते हैं, जैसा अपना डोर्स बना सकते हैं। और नीचे 6-8 इंची की दराज देनी है, इस प्रकार बना सकते हैं अपनी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये बॉर्डर अपना 1.5 इंची का, ये भी अपने 8 इंची। इसमें जो लगाने हैं आपको चप्पू हैंडल लगाने हैं, जिसमें कि वो पैरों में अड़ने चाहिए इस प्रकार। आपको बड़ा सामान रखने के लिए आप स्टोरेज के हिसाब से ऊपर दे सकते हैं। इसमें जैसे ड्रेसिंग का डिज़ाइन, जैसे हमारा डिज़ाइन साइड में, तो उसमें 2 डोर्स ले रखे हैं। और इसमें ये टी लगा रखी है हमने, टी प्रोफाइल, नीचे हैंडल लगाने अगर आपको स्लाइडिंग के लगाने। इसमें भी ऐसे ही। और ये जो जैसे स्लाइडिंग चैनल होती है 3, ये हमारी जो 2 डोर्स की होती है, तो इसमें 3 डोर्स लगा सकते हैं, जिसमें कि आपका सिंगल एक साइड में चलेगा और 2 जो डोर चलेंगे वो बाहरी साइड या अंदर ले सकते हैं आप, इस हिसाब से बना सकते हैं। और इसका मैं पूरा डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ, आप ऊपर से डिज़ाइन देख सकते हैं। जैसे ये बना रखा हमने, इसमें जो टी प्रोफाइल आप देख रहे हैं गोल्डन कलर की है, टी प्रोफाइल है। और अपना नीचे से भी ये डिज़ाइन देख सकते हैं जैसा आपको बनाना है, और खाने के हिसाब से जैसे आपका साइड में ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग का डिज़ाइन नीचे से आप देख सकते हैं इसमें। और नीचे ड्रॉर है इसमें, जैसे ये अपने 3 ड्रॉर बना रखे हमने वार्डरोब में। और ऊपर ही जैसे इसमें एक सीमेंट का वो बीम था, उसको बंद करने के लिए वाइट कलर का, जैसे देख रहे हैं आप, ये बंद कर रखा है इसमें। और नीचे बॉक्स है, ऊपर फ्रेम है। अब देखो पूरा डिज़ाइन इसमें, और ये बीच में अपना डिज़ाइन दे सकते हैं, इस प्रकार डिज़ाइन बनाना आपको, तो इस प्रकार डिज़ाइन दे सकते हैं। साइड में आपको जो ड्रॉ लेनी है, साइड में लेनी है स्लाइडिंग डोर्स के, वो साइड में ही आनी चाहिए, जिसमें कि आपका स्लाइडिंग डोर्स अड़ना ही चाहिए सामान के हिसाब से, जिस हिसाब से आपका सामान है, सामान की हाइट है, चौड़ाई है, उस हिसाब से अपने खाने ले सकते हैं। और ये अपना पूरा डिज़ाइन ऊपर से भी देख सकते हैं, ये दीवार में टेढ़ापन था तो उसको इस तरीके से टेढ़ापन जैसे बॉर्डर में आ रहा है, या हमारा बॉर्डर जैसे सोल में है। तो ये देख सकते हैं 21 साल की वारंटी मिलेगी इस बोर्ड की, वोइलो बोर्ड है एक्सन टेसा का। अगर आपको लेना है तो इसमें जो बोर्ड आता है हमारा इस प्रकार आता है, अगर आपको जैसे किचन में ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर इस कलर ये आता है अपना, और इसमें सारे साइज मिल जाते हैं हमारे। जैसे थिकनेस की बात करें हम, तो थिकनेस इसमें हमारी 18 mm की आती है, 12 mm की भी आती है इसमें, और 6 mm। तो इसमें आपका पूरा साइज़ प्रॉपर मिल जाएगा आपको। और इसका जो प्राइस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको जैसे इसमें किचन बनवानी है, वार्डरोब बनवानी है, तो इसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे हम किचन के बारे में, जैसे ज़्यादातर वाटरप्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वाटरप्रूफ की। अगर आपको जैसे वार्डरोब बनानी है, जैसे ये हमारी वार्डरोब है, इसका जो साइज़ है हमारा वार्डरोब का 12 फुट, इस तरीके से हमारी इसकी चौड़ाई हो जाती है, हाइट हो जाती है हमारी इसकी 11 फुट। तो 11 फुट हाइट में अगर आपको जैसे इस साइज़ की जो वार्डरोब बनानी है, जैसे हमारा ऊपर तो स्लाइडिंग वार्डरोब, ये फ्रेम बना के लगा रखा, नीचे बॉक्स है, इसका जो हमारा प्राइस पड़ जाता है वार्डरोब का, तो 1,30,000 के आसपास इसका बजट आ जाता है अगर आपको इसी प्रकार बनानी है। ऊपर आपका फ्रेम है, नीचे आपका बॉक्स है, ऊपर डोर से लगा रखे हैं। और इसका जैसे बेडरूम का जो साइज़ है,
इसका साइज़ हमारा 15 फीट इसकी चौड़ाई है, और उसकी जो इसकी चौड़ाई है उसकी लंबाई हमारी 12 फीट है। अगर दोस्तों आपको जैसा डिज़ाइन देखने हमारे तो इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिलेंगे डिज़ाइन, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, और अपना जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ अपने डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको जैसे कॉन्टैक्ट भी करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ। अगर हमारा जो समय है बात करने का सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक है, आप इस टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी समय में। तो हमारा जो समय है सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगली वीडियो फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड।